हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब बड़े होंगे। दोस्तों, पैसा यानी मनी इंसान की प्रमुख जरूरतों में से एक होता है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना अधूरी अधूरी है। देश दुनिया के लगभग सभी काम धंधे इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। किंतु क्या आपने कभी सोचा कि आखिर कहां से शुरू हुई थी इस मनी की यात्रा? बार्टर सिस्टम से होते हुए क्रिप्टो करेंसी तक पहुंचा मनी कैसे इंसानी सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है? आखिर पैसों की दुनिया में कब और क्या क्या बदलाव हुए? पूरी दुनिया को चलाने के लिए सबसे सुविधाजनक चीज धन यानी मनी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज पूरी दुनिया को चलाने के लिए लगभग 420 ट्रिलियन धन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वाओ, अमेजिंग। ये धन यानी पैसा कोई सिक्का हो सकता है, नोट हो सकता है, कंप्यूटर द्वारा जारी की गई कोई इलेक्ट्रॉनिक कोड हो सकता है। वहीं किसी धन की वैल्यू का निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि उसका किस माध्यम से आदान प्रदान हो रहा है। किसी भी तरह का धन लोगों को सीधे तौर पर किसी भी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार या लेन देन करने की अनुमति देता है। ये वस्तुओं की कीमत का निर्धारण करने में मदद करता है। पर दोस्तों, कभी ना कभी आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर कैसे इस धन का आविष्कार हुआ? क्या है इसका इतिहास, जिसके बारे में कभी इस किताबी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, लेकिन इसके बारे में हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य के बहुत से आविष्कारों में से एक है रुपए यानी मुद्रा का आविष्कार, जिसके बाद रुपयों में काफी बदलाव देखने को मिला और जिसके आने से दुनिया पलट गई। आइए दोस्तों, ऐसे में जानते हैं कैसे मुद्रा का आविष्कार हुआ और कैसे इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ती गई। वीडियो शुरू करने से पहले, यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को आखिर तक देखें। बिना मुद्रा वाली एक दुनिया। दोस्तों, इतिहास में देखें तो इंसान और मुद्रा का संबंध करीब 3000 साल पुराना है। हालांकि उस दौर में इसका कोई स्थायी रूप देखने को नहीं मिला। आगे वक्त बदला तो मुद्रा की उपयोगिता और स्वरूप भी बदलता गया। करीब 9000 ईसा पूर्व मुद्रा का अस्तित्व तो था, लेकिन इसका कोई तय स्वरूप न था। एक बार सोच कर देखिए, अगर आज के समय करेंसी यानी पैसों का अस्तित्व नहीं होता तो क्या हाल होता हमारे देश का, समाज का, पूरी दुनिया का? पर एक समय ऐसा आया जब बिना पैसों की दुनिया चल रही थी। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत। दरअसल इस दौरान बिजनेस के लिए बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल होता था। बार्टरिंग का एक ऐसा सिस्टम था जिसमें एक सामान या सेवा के लिए दूसरा सामान देना होता था। उदाहरण के लिए, एक किलो भिंडी के लिए आटे का एक बैग लेन देन का एक अच्छा तरीका था और सुविधाजनक। मगर कुछ वक्त के बाद इसमें समस्या आने लगी। दरअसल कई बार व्यक्ति को सामने वाले व्यक्ति से अपनी सेवा या सामान के लिए उचित सामान या सेवा नहीं मिल पाती थी। जैसे कि जूते की चाह रखने वाले इंसान को ऐसे शख्स को ढूंढना पड़ता था जिसे गेहूं की आवश्यकता हो। समाज के विकास के साथ ही सैकड़ों सालों में धीरे धीरे धन के प्रकार का विकास हुआ। इसमें जानवरों की त्वचा, नरम और हथियार जैसे आसानी से व्यापार किए जाने वाले सामान शामिल थे। व्यापार की ये प्रणाली दुनिया भर में फैली हुई है और आज भी दुनिया के कुछ हिस्सों में मौजूद है। फिर बढ़ते व्यापार और बार्टर सिस्टम की वजह से काफी दिक्कतें आने लगी। लोगों के बीच झगड़े होने लगे और इसका प्रभाव सभी राज्यों में देखने को मिल रहा था। लोगों का दूसरे लोगों पर भरोसा उठने लगा। यही वजह है कि लोगों ने बार्टर सिस्टम को बंद करने का निर्णय लिया। लिटरली दोस्तों, उस समय एक ऐसा सिस्टम था मनी के लेन देन का सोचकर भी इम्पॉसिबल लगता है। और बार्टर सिस्टम की ऐसी ही समस्याओं ने एक नई मनी को जन्म दिया। इसे कमोडिटी मनी के नाम से ख्याति मिली। ये एक ऐसी मनी है जिसमें कुछ बुनियादी वस्तुओं को मुद्रा माना गया। इसका उपयोग लगभग सभी लोग करते हैं। इसमें तंबाकू, मवेशी, चाय, नमक और बीज जैसी वस्तुएं आती थी। हालांकि ये ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी। असल में कमोडिटी मनी को स्टोर करना मुश्किल था, साथ ही ज्यादा वक्त तक पास रखने पर खराब होने की संभावना। ऐसे में 5000 ईसा पूर्व के करीब लोगों ने इसका तोड़ निकाला और धातु को मनी के तौर पर यूज करना शुरू किया। इसी क्रम में 700 ईसा पूर्व जाते जाते पश्चिमी दुनिया में लिडियन ने सिक्का बनाकर मुद्रा के सफर को एक नए आयाम तक पहुंचा दिया। इसके बाद तो जैसे मानो होड़ सी लग गई। ज्यादा देश विशिष्ट मूल्यों के साथ सिक्कों की अपनी श्रृंखला का निर्माण करने में लग गए। इन सिक्कों को बनाने में धातु का उपयोग किया जा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध था, इसके साथ काम करना आसान था, साथ ही इन्हें दोबारा नया किया जा सकता था। दोस्तों, हमारे भारत में रुपए का इतिहास भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। इसके बारे में जानने के लिए आपको लगभग 6वीं शताब्दी में जाना पड़ेगा, जब प्राचीन भारत का समय चल रहा था। जैसा कि हम जानते हैं, चीनी वेन और लिडियन स्टेट्स के साथ साथ प्राचीन भारत दुनिया में सिक्कों की शुरुआत करने वालों में से एक देश था। पर पहले भारतीय सिक्कों को प्राचीन भारत के स्वतंत्र साम्राज्यों द्वारा ढाला गया, जिन्हें पुराण, कर्षपन या पाना के नाम से जाना जाता है। इन महाजनपदों में गांधार, कुंतला, कुरु, पांचाल, शाक्य, सुरसेन और सौराष्ट्र शामिल थे। दोस्तों, सबसे पहले मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने चांदी, सोना, तांबे या सीसी के ढलने वाले पंच चिन्हित सिक्के चलाए। भारतीय यूनानी कुषाण राजाओं ने सिक्कों पर चित्र उकेरने की यूनानी प्रथा शुरू की। 1526 ईस्वी से मुगल साम्राज्य ने पूरे साम्राज्य के लिए मौद्रिक प्रणाली को एक किया। इस युग में रुपए का विकास तब हुआ जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और 178 ग्राम का चांदी का सिक्का जारी किया।
जिसे रुपया के नाम से जाना जाने लगा। और ये सिक्के मुगल काल, मराठा युग और ब्रिटिश भारत के दौरान उपयोग में बने रहे। दोस्तों, हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए ऐसे रोचक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने में, तो प्लीज अपना प्यार जरूर दें। चलिए अब बात करते हैं कैसे नोटों ने अपने पैर जमाए। गुजरते समय के साथ सिक्कों की जगह कागजी नोट ने ले ली। पहली बार नोट प्रचलन में कब आया इसकी सटीक जानकारी नहीं है, मगर माना जाता है कि चीन से इसकी शुरुआत हुई। कागजी नोट के कुछ अवशेष प्राचीन चीन में मिलते हैं और अनुमान है कि 960 ईस्वी के करीब चीन में कागजी मनी जारी करना आम हो गया। कागजी मुद्रा की शुरुआत के साथ कमोडिटी मनी प्रतिनिधि मनी में विकसित हुई। प्रतिनिधि धन को सरकार या बैंक द्वारा चांदी या सोने की एक निश्चित राशि के बदले देने के बाद का समर्थन किया गया। अब गोल्ड रिजर्व के आधार पर दुनिया भर के देश अपनी करेंसी के नोट छापने लगे। आगे इस प्रतिनिधि मनी को फिएट मनी से बदल दिया गया। अगर भारत में नोटों की शुरुआत के ऊपर बात करें तो 18वीं शताब्दी में बंगाल में बैंक ऑफ हिंदुस्तान और बंगाल बैंक कागजी मुद्रा जारी करने वाले भारत के पहले बैंक बने। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने रुपए को औपनिवेशिक भारत की आधुनिक मुद्रा बना लिया, जिसमें किंग जॉर्ज सिक्स ने नोटों और सिक्कों पर देशी डिजाइनों की जगह ले ली। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने उपमहाद्वीप में कागजी मुद्रा की शुरुआत की। जॉर्ज पंचम की तस्वीर वाली नोटों की एक सीरीज 1923 में शुरू की गई। ये नोट 1 से लेकर 10,000 रुपए तक के मूल्य वर्ग में जारी किए गए। आगे जाकर भारतीय रिजर्व बैंक की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन 1 अप्रैल 1935 को किया गया। इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 22 ने इसे तब तक भारत सरकार के नोट जारी रखने का अधिकार दिया जब तक कि इसके अपने नोट जारी करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। बैंक ने 1938 में जॉर्ज सिक्स्थ की तस्वीर वाले पहले 5 रुपए के नोट को जारी किया। इसके बाद फरवरी में 10 रुपए, मार्च में 100 रुपए और जून 1938 में 1,000 रुपए और 10,000 रुपए के नोट जारी किए गए। नोटों को बदलने का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका, बल्कि आजादी के बाद भी इसमें बड़े बदलाव आए। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत का आधुनिक रुपया सिक्के के डिजाइन में वापस आया। कागजी मुद्रा के लिए चुना गया प्रतीक सारनाथ में स्थित लाइन कैपिटल था। इस तरह स्वतंत्र भारत द्वारा मुद्रित पहला बैंक नोट 1 रुपए का नोट था। महात्मा गांधी सीरीज के नोटों की शुरुआत 1996 में की गई। 15 जुलाई 2010 को भारत ने एक नया मुद्रा प्रतीक भारतीय रुपया चिन्ह पेश किया। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करके भारत सरकार ने 2000 रुपए के और 200 रुपए के नोट जारी किए। दोस्तों, अब बात करते हैं डिजिटलाइजेशन की। कहते हैं मुद्रा कहीं नहीं ठहरती। ग्लोबलाइजेशन, विदेशी करेंसी का एक्सचेंज तेजी से बढ़ा है। वहीं भारत में 18वीं सदी में बने पहले बैंक के बाद से लगातार बैंकिंग प्रक्रिया सरल होती गई। इसमें मनी भी गांव और कस्बों से निकलकर देश विदेश तक की दौड़ में शामिल हुआ। समय के साथ बदलते बैंकिंग सिस्टम को इंटरनेट ने एक नई रफ्तार दी। आज ऐसा समय है कि महज एक क्लिक पर गांव कस्बों की मुद्रा देश विदेश घूम रही है। डिजिटल क्रांति की बात तो जैसे मुद्रा को पंख लग गए। उदाहरण के तौर पर भारत में ही पिछले 2 साल में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के आंकड़ों में बड़ी उछाल देखने को मिली। परचून की दुकान से साबुन तेल खरीदने से लेकर विदेशों से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए डिजिटल मनी ट्रांसफर का इस्तेमाल हो रहा है। लोगों ने तो अपने पॉकेट में पैसे रखने बंद कर दिए, यहां तक कि अब रास्ते पर भी भीख मांगने वाले लोग अपने पास QR कोड लेकर चलते हैं। हालांकि समय समय पर मुद्रा ने अपने स्वरूप को बदला। ऐसे में डिजिटलाइजेशन के आते ही क्रिप्टो करेंसी का भी अस्तित्व सामने आया। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के आने के बाद से मानो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का तरीका बदल गया। मौजूदा समय में क्रिप्टो करेंसी के सैकड़ों रूप दुनिया मौजूद है। बिटकॉइन, ईथर, लाइटकॉइन और मोनेरो इसके कुछ बड़े उदाहरण हैं। क्रिप्टो में लोकप्रिय बिटकॉइन की बात करें तो कई देशों ने इसे गैर कानूनी करेंसी का दर्जा दिया है। दावा है कि पैरेलल करेंसी के कारण डिजिटल फिरौती और डार्क वेब क्राइम सरकारों के लिए नई चुनौती बन रहा है। ऐसे में आगे क्रिप्टो का भविष्य क्या होगा, ये कह पाना जल्दबाजी होगी। हाँ, क्रिप्टो करेंसी का ये नया जन्म साबित जरूर करता है कि मानव सभ्यता के विकास की राह में समय समय के साथ मुद्रा के स्वरूपों में बदलाव हुआ है, जो कि रुकने वाला नहीं है। बदलते समय के साथ हमें भविष्य में मुद्रा के कई रूप देखने को मिल सकते हैं, इसके फायदे हमें सुनने को मिलेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको पैसे के इतिहास के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कॉमेंट सेक्शन में आकर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।